होती है तो मुमकिन है। जगह पे हर कोने में ये प्रदर्शन जारी है और उन्होंने 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक यहाँ पे रखा है और मांग यही पे रहेगी जोर लगाने के लिए, क्योंकि जो सत्ता के नशे में सोई सरकार है उसको जगाना बड़ा जरूरी है। उसी की कड़ी में आज सांबा में प्रदर्शन यहाँ पे किया हमारे संजीव शर्मा जी की अध्यक्षता में, इनकी देखरेख में हमारे रविंद्र शर्मा स्पोक्समैन, पूरी लीडरशिप यहाँ पे आई गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ताकि वो आवाज़ उनके कानों तक यहाँ पे पहुँचे जो सत्ता के नशे में सोए हुए हैं। वोट लेने के लिए गरीब आवाम के हक की बात करते थे, लेकिन आज गरीब आवाम जिस ढंग से रो रहा है उसका चूल्हा जलाना मुश्किल है। हर चीज़ में कीमतों में बढ़ोतरी हुई, पेट्रोल डीजल की में बढ़ोतरी नहीं, आज तो गैस में भी बढ़ोतरी यहाँ पर होगी। और वो जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो बड़ी दुहाई देते थे रामदेव जी 30 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए कि नहीं, अगर आपको भी मिले तो रामदेव से भी पूछना चाहते हैं, वो आज लोग महसूस करते हैं कि वो ठगे गए लोग जिन्होंने वोट देके यहाँ के MLO को बनाया, MP को बनाया, कोई बात नहीं कर रहा हो, कोई सुध बुध नहीं ले रहा गरीब आम की, उनका चूल्हा जलाना मुश्किल यहाँ पे हो गया। और आज पेट्रोल डीजल के साथ गैस में जो बढ़ोतरी 110% बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है और 2014 के बाद 20 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इन लोगों ने यहाँ पर कमाया, और पैसा कहाँ पर लगा, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, आज तो मुँह से लफ्ज़ नहीं निकलता इनके गरीब आवाम के हक में। पहले तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी जो आज वो बोलती थी कि जनाब मैं प्याज नहीं खाती तो मेरे को रेट का नहीं पता, लेकिन चूल्हा तो चलाती है, गैस सिलेंडर तो चलता है। तो आज की महंगाई की चरण सीमा वो क्रॉस हो चुकी है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कि यहाँ पे इनकम जनरेट करने का कोई साधन यहाँ पे नहीं है, कोरोना की बीमारी में लोग आगे जूझ रहे हैं और ऊपर से टैक्स की बरबार यहाँ पे लगाई, चाहे टोल प्लाजा हो, चाहे हर एक जगह में रोड टैक्स हो, GST हो, CST हो, दुनिया भर के लोगों के पास पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं है और उसके लिए कोई साधन देना बड़ा ज़रूरी है। आज रेड़ी वाले हो, बड़ी वाले हो, काम करने वाले लोग हों, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी आपके जरिए यही मांग रहेगी कि ये सरकार उस सत्ता के नशे से बाहर आए, सिर्फ जो 5 फोकस राज्यों में सरकारें बनाने का काम करते हैं, सरकारें बनाने के बाद जनता को तो देखे वोटर ने जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया उनका लफ्ज़ एक तरफ निकलता, और यही मांग रहेगी कि इसको रोल बैक किया जाए और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाई जाए, और ताकि कम से कम जो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व की, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लगते हैं तो ट्रांसपोर्टर के सिलसिले में 20% इजाफा नहीं होता, अगर वो होने के बाद भी बोझ किस पे गिरा, वो आम जनता पे गिरा। और आज लोग महसूस करते हैं कि ये सरकार गरीब आम की सरकार नहीं, अंबानी अडानी की सरकार है, कुछ पूंजीपतियों की सरकार है, और लोग इसलिए ये प्रदर्शन यहाँ पे जारी रहेगा। आज जिस ढंग से सांबा में ये आगे बॉर्डर एरिया में भी बैन गलाड हो, रियाँ हो, मावा हो, हर जगह पर यहाँ पर पहुँचे, हर घर से आवाज़ यहाँ पर आएगी कि सरकार सत्ता के नशे से बाहर आए, कुंभकर्ण के नींद से बाहर आए और वो कदम उठाए जिससे लोगों को